हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर हाफ्स एंड क्वार्टर्स करने वाले हैं इस चैप्टर का एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं एन एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स तो जो रिमेनिंग चैप्टर है क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो नहीं करते हैं उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में इसमें कवर करेंगे इसके बाद आपकी वर्कशीट की वीडियो होंगी देन दे विल बी अ क्विज ओके सो लेट स्टार्ट नाउ जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं सो कटिंग द केक हम लोग कर चुके थे नेक्स्ट इज ग्रीडी कुंदू कुंदू इज अ ग्रीडी मैन कुंदू जो है बहुत ग्रीडी मैन था लालची आदमी था वेन एवर ही गोज टू द मार्केट जब भी वो मार्केट जाता था ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर वो से और ज़्यादा चीज़ें चाहिए बट डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी लेकिन वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था कम पैसे में ज़्यादा मिल जाए वन डे ही वॉन्ट्स टू इट पम्पकिन हलवा एक दिन उसको पंप हलवा खाने का मन किया ही ट्राइज़ टू बाय अग पम्पकिन विद ओनली रुपीज़ टेन उसने सोचा कि मैं दस रुपये में पूरा पंपकिन ले लूँ ही आस्ट द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइज ऑफ अ बिग पम्पकिन जो पहला पंपकिन सेलर था उसने उससे उसने, उसने प्राइस पूछा पंपकिन का फर्स्ट पम्पकिन सेलर पहले पम्पकिन सेलर ने कहा वन फोर्थ ऑफ दिस पम्पकिन इज फोर रुपीज़ टेन इस पूरे पम्पकिन का अगर सपोज करिए ये पंपकिन है तो इसका वन फोर्थ पार्ट यानी कि चार पार्ट में से एक पार्ट जो है वो है रुपीज़ टेन का अब आप बताइए द फुल पम्पकिन विल बी ऑफ हाउ मच रुपीज अगर एक पम्पकिन का वन फोर्थ पार्ट टेन का है तो पूरा पंपकिन टेन इन टू फोर क्योंकि चार पार्ट्स होंगे उसके फोर्टी रुपीज़ का होगा तो यहाँ पर आप फोर्टी लिख लेंगे नेक्स्ट इज कुंदू फोर रुपीज टेन यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन दस रुपये में सिर्फ वन फोर्थ कम से कम मुझे आधा तो दो ऐसा कहता है कुंदू फर्स्ट पम्पकिन सेलर फिर कहता है देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर तो फिर तुम अगले सेलर के पास चले जाओ ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच पंपकिन फॉर रुपीज टेन वो तुम्हें दस रुपए में ऐसा आधा पंपकिन दे देगा हाफ दे देगा आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पंपकि मैं तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पंपकिन रखता हूँ ओके okay, तो कुंदू वॉक्स टू नेक्स्ट सेलर कुंदू सोचता है थोड़ा और आगे चला जाता हूँ एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज कुक्स्ट सेलर के पास जाता है और उसी साइज का एक और पंपकिन देखता है कुंदू कहता है हाउ मच फॉर दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर रुपीज टेन दस रुपये में मुझे कितना पंपकिन मिलेगा सेकेंड पम्पकिन सेलर कहता है हाफ टेन रुपीज़ में तो हाफ मिलेगा द फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज अगर हाफ जो पम्पकिन है वो टेन रुपीज़ का है तो फिर फुल कितने का होगा टेन और टेन का दूसरा हाफ यानी कि रुपीज ट्वेंटी तो फुल पम्पकिन ट्वेंटी का होगा कुंदू वाई नॉट गिव मी थ्री फोर्थ तुम मुझे इसका थ्री फोर्थ क्यों नहीं दे देते सेकेंड पंपकिन सेलर कहता है रन अवे जाओ यहाँ से गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन जाओ उस आदमी से पंपकिन ले लो ही सेल सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर टेन वो इतनी बेकार क्वालिटी की सब्जी बेचता है कि वो तुम्हें दस रुपए में पूरा पंपकिन भी दे देगा यानी कि सब्जी की क्वालिटी जैसे खराब हो रही होती जा रही है प्राइस ऐसे डाउन जा रहा है द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर अब ग्रीडी था उसको क्वालिटी से कुछ नहीं लेना उसे लगा बस ज्यादा मिल जाए तो वो अगले पम्पकिन सेलर के पास चला जाता है ही लुक्स एट द द पम्पकिन ऑफ सेम साइज एंड आस्क विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर क्या तुम मुझे दस में पूरा पम्पकिन दे दोगे तो थर्ड पम्पकिन सेलर कहता है वाई डोंट यू क्लाइम टू द रूफ ऑफ दिस हाउस तुम इस पेड़ की छत पे क्यों नहीं चढ़ जाते यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इट और जाके प्लांट से खुद पम्पकिन तोड़ लो पूरा कुंदू इज वेरी हैप्पी फ्री में पम्पकिन मिल रहा है कुंदू तो बहुत खुश हो जाता है ही क्लाइम द रूफ वो रूफ पर चढ़ता है ऑफ दैट हाउस एंड देन एंड देन क्या होता है पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ही फॉल्स डाउन वो नीचे गिर जाता है पम्पकिन के साथ पम्पकिन मिलता है साथ में हड्डियाँ भी टूटती हैं अब डॉक्टर के पास ज्यादा खर्च होगा ओके <laughs> सो okay. so, आगे आते हैं नेक्स्ट इज यूजिंग द प्राइस लिस्ट ये आपको एक प्राइस लिस्ट दी हुई है देखिए टमाटो है आपके एट रुपीज पर के जी सो दिस इज द प्राइस लिस्ट पोटैटो इज फोर रुपीज ट टेन कैरेट सिक्सटीन एंड पम्पकिन ऑफ रुपीज फोर ये पर के जी की कॉस्ट आपको दी हुई है और ये कुछ क्वेश्चन पर देनेटोज कॉस्ट वन के जी टोमेटो की कॉस्ट कितनी थी आपकी एट रुपीज तो हाफ की कितनी होगी हाफ अगर क्वान्टिटी हाफ है तो प्राइस भी हाफ होगा और एट का हाफ कितना होता है एट का हाफ यानी कि डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू फोर ओके दैट so मीनस आपका हाफ जो टोमेटोज है उनकी कॉस्ट होगी रुपीज फोर नेक्स्ट इज विच कॉस्ट मोर किसकी कॉस्ट ज्यादा है हाफ के जी अनियन या फिर हाफ वन बाई फोर के जी ऑफ कैरेट्स सुनाओ हाफ के जी अनियन और वन बाय फोर के जी ऑफ कैरेट्स दोनों की कॉस्ट हम निकालेंगे देन वी विल सी कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है बी का आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे ओके कॉस्ट ऑफ वन के जी अनियन पहले एक के जी अनियन कॉस्ट की कॉस्ट कितनी थी आपकी वन के जी अनियन थे आपके इज इक्वल्स टू रुपीज़ टेन टेन रुपीज़ के नाउ कॉस्ट ऑफ हाफ के जी अनियन कितने का हो जाएगा अगर वन के जी टेन के हैं तो हाफ हाफ अमाउंट यानी कि रुपीज़ फाइव के पांच रुपये के हाफ के जी अनियन है नाउ कॉस्ट ऑफ वन के जी कैरेट वन के जी कैरेट थी आपकी रुपीज़ सिक्सटीन की देखिए लिस्ट में देख लेते हैं ये कैरेट है एंड दिस इज़ ऑफ रुपीज़ सिक्सटीन सिक्सटीन रुपीज़ की हैं ये सो हाफ वन बाई फोर के जी ऑफ कैरेट ये कितने की हो जाएंगी आपकी सिक्सटीन का वन फोर्थ यानी कि सिक्सटीन बाई फोर फोर फोर्स आर सिक्सटीन यानी कि चार रुपये की तो क्लियर है कैरेट्स जो हैं आपकी वो चार रुपये की है और जो आपका अनियंस है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ फ़ाइव क्या पूछा था किसकी कॉस्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली अनियंस की कॉस्ट ज्यादा है तो इसमें आपका आंसर होगा अनियंस सो आंसर ऑफ सेकेंड विल बी अनियन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज प्राइस ऑफ थ्री फोर के जी थ्री फोर्थ के जी ऑफ पटा थ्री फोर्थ के जी पोटैटोज की कॉस्ट बताइए वन के जी थे आपके ट्वेल्व ट्वेल्व रुपीज के अब थ्री फोर्थ की कॉस्ट आपको बतानी है सो ओके कॉस्ट ऑफ वन के जी टू ट्वेल्व सो कॉस्ट ऑफ थ्री बाई फोर के जी ऑफ पोटैटो दैट मीनस जब भी एक की कॉस्ट दे के ज्यादा पूछ रहे तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो आप थ्री बाई फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व से और ये आपको पता है आप कैसे करते हैं जब भी आप फ्रैक्शन में अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आप ये जो ट्वेल्व है इसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर और फोर की टेबल में थर्टी सिक्स कितने आता है नाइन हजार आता है डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे आपको डिवाइड करना होता है और न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है सो so, को थ्री से मल्टीप्लाई किया जो आंसर है उसको फोर से डिवाइड कर दिया नाइन तो यानी कि थ्री बाई फोर के जी ऑफ पोटाटो उसकी कॉस्ट आपकी रुपीज नाइन होगी आगे आते हैं इज गोइंग फॉर शॉपिंग कीर्ति देखिए शॉपिंग के लिए जा रही है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शी हैज ओनली रुपीज ट्वेंटी और उसके हाथ में अगर आप देख सकते हैं सिर्फ ट्वेंटी रुपीज़ है कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट शॉपिंग लिस्ट में हाफ के जी पोटैटोज को लेने हैं टू के जी पंपिन और हाफ के जी वन बाई फोर के जी ऑफ कैरेट्स क्या वो ट्वेंटी रुपीज़ में ये सब चीज़ें ले सकती है तो चलिए फाइन करते हैं कि क्या चीज़ें वो ट्वेंटी रुपीज में ले सकती है ओके सो फर्स्ट इज टोटल मनी कीर्ति है फोर्टी इन हर प्राइस लिस्ट हाफ के जी पोटैटोज हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन के जी पोटैटो एक के जी पोटैटो जो है आपके दैट इज ऑफ रुपीज ट्वेल्व ट्वेल्व रुपीज के हाफ के जी उसको चाहिए सो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी पोटैटोज कितने हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्वेल्व यानी कि वन बाई टू इन टू ट्वेल्व ट्वेल्व वन जार ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व बाई टू दैट मीन सिक्स छः रुपए के पोटैटोज हो गए उसके सेकेंड था उसको पंपकिन लेना था पंपकिन की जो कॉस्ट है वो है वन के जी पंपकिन इज इक्वल्स टू फोर उसको टू के जी लेना है तो टू के जी पंपकिन आपका हो जाएगा फोर इंटू टू यानी कि फोर इंटू टू दैट मीन्स रुपीज एट एट रुपीज का पंपकिन हो गया थर्ड उसको लेनी थी कैरेट कैरेट जो है वो वन के जी कॉस्ट कैरेट की कॉस्ट है रुपीज सिक्सटीन उसको वन बाई फोर के जी चाहिए तो यानी कि वन बाई फोर इंटू सिक्सटीन दैट मीन्स सिक्सटीन बाई फोर यानी कि रुपीज फोर ओके अब देखिए टोटल कितना हो गया उसका एट सिक्स प्लस एट प्लस फोर एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर इज एटीन यानी कि रुपीज एटीन अट्ठारह रुपए का उसका सामान हो गया और उसके पास ट्वेंटी रुपीज थे तो क्या वो बाय कर सकती है ये डेफिनेटली शी कैन बिल्कुल वो बाय कर सकती है जो चीजें उसको चाहिए नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम अब क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने हैं आपको व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड इस होल का कितना पार्ट कलर है ये बताइए सो ये होल जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है एक पार्ट कलर किया गया है यानी कि वन बाई टू पार्ट्स कलर्ड है और इसका चार पार्ट में डिवाइड किया गया है यानी कि टू बाई फोर या फिर वन बाई टू पार्ट्स इसके कलर है क्योंकि टू वन फोर्थ मिलके एक हाफ बना देते हैं ये हमने पहले देखा था केक वाले केस में और आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आपको लिखना आता होगा टू वन जार टू 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 जार फोर दैट मीन्स दोनों केसेस में हाफ़ कलर है नेक्स्ट इज कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो जो नीचे लिखा हुआ है उतना पार्ट आपको इन शेप का शेड करना है जैसे इसमें हाफ पार्ट शेड करना है तो इसका भले ये चार पार्ट में डिवाइड हो चार का हाफ दो हो जाएगा तो आप दो पार्ट्स को शेड कर दीजिए इसमें नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका थ्री फोर्थ पार्ट शेड करना है तो थ्री फोर्थ ये हो जाएगा इतने पार्ट को शेड कर दीजिए वन फोर्थ को छोड़ दीजिए नेक्स्ट इज थ्री फोर्थ अगेन सो तीन पार्ट्स को शेड कर दीजिए फिर से और एक पार्ट को छोड़ दीजिए एज इट इज़ अनशेडिड वन फोर्थ एक पार्ट को शेड करिए थ्री पार्ट्स को रहने दीजिए ये वन फोर्थ हो जाएगा नेक्स्ट इज हाफ़ यहाँ पर सिक्स पार्ट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो तीन पार्ट को आप शेड करेंगे एंड थ्री पार्ट्स को आप छोड़ देंगे एज इट इज़ सो दिस इज़ हाफ ऑफ दिस नेक्स्ट इज़ थ्री फोर्थ पहले तो इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे आप इस तरीके से फिर एक पार्ट को शेड कर देंगे सो so, ये इसका थ्री फोर्थ पार्ट हो जाएगा ओके सो दैट इज हाउ यू शुड डू दिस वर्क इस तरीके से आपको ये काम करना है नेक्स्ट इज कट इन हाफ कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई है इनको हाफ में कट करना है आपको सो so, ये जो फर्स्ट बोर्ड है इसका हाफ आप इस तरीके से करेंगे सॉरी ऐसे ये इस बोर्ड का हाफ हो जाएगा नेक्स्ट इज इस फ्लावर का हाफ आप ऐसे करेंगे और भी तरीके हो सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं है, जैसे भी हो नेक्स्ट लास्ट में आपको एक पंपकिन दिया हुआ है सो पम्पकिन को हाफ आप ऐसे करेंगे ओके सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस नेक्स्ट इज कलर दी हाफ नंबर ऑफ शेप्स आज शोन हेयर आधी शेप्स को कलर करिए जैसे इसमें यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट शेप्स थी तो एट का हाफ़ फोर होता है इन्होंने फोर को कलर कर दिया नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे सो so यहाँ पर फोर शेप है फोर का हाफ क्योंकि टू होता है तो आप दो को कलर कर दीजिए इसमें नेक्स्ट में आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू जार ट्वेल्व थ्री ज़ार एटीन एटीन शेप्स हैं तो आप नाइन को कलर कर देंगे यहाँ पर किसी की नहीं नाइन सर्कल्स को कलर कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हाफ कलर हो जाएंगे यहाँ पर आपकी सिक्स सॉरी एट लीव्स हैं आप फोर लीव्स को कलर कर दीजिए ये आपका हाफ़ शेड हो जाएगा नेक्स्ट में आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपके टेन फ्लावर्स हैं आपको हाफ कलर करने हैं तो आप फोर फाइव को कलर कर दीजिए चार बॉक्सेज हैं तो टू को कलर कर दीजिए कहने का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं उनका हाफ देख लीजिए कितना होता है डिवाइड बाय टू करके उतने ही पार्ट्स को आपको कलर करना है नेक्स्ट में आपको मैच करना है कलर तो पार्ट जो कि शो किए हुए हैं आपको यहाँ पर जैसे कि ये हाफ है तो इसको हाफ से मैच किया और ये हाफ को वन बाई टू लिखते हैं तो ऐसे इसको मैच किया नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज दिस पार्ट ये जो सेकेंड पार्ट है दिस इज़ वन फोर्थ इसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं तो यहाँ से मैच करेंगे क्वार्टर को वन बाई फोर लिखते हैं इस तरीके से यहाँ से मैच करेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपका फुल है क्योंकि पूरा कवर है इसको हम लोग होल कहते हैं होल को वन बाय वन दैट मीन्स फोर बाय फोर यहाँ से मैच करेंगे नेक्स्ट में थ्री फोर्थ कलर है आपका सो so, ये आपका थ्री क्वार्टर्स हैं और थ्री क्वार्टर्स को आप ऐसे लिखेंगे ओके okay? तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द अदर हाफ ये आपको हाफ फ्लैट दिया है बाकी हाफ आपको खुद ड्रॉ करना है तो इसको आप ड्रॉ कर देंगे इधर जैसे इधर दिया हुआ है इसी तरीके से इस तरफ ड्रॉ करके यहाँ पर और उसको देन आप कलर कर देंगे नेक्स्ट इस तरीके से आप इधर इसको कंप्लीट करेंगे इसी कलर से करके एंड उसके बाद इसको कलर कर देंगे ये आपको एक लेडी बग दी हुई है यहाँ पर इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है एंड देन इसको कलर करना है दिस इज़ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर ये आपको सन की क्वार्टर पिक्चर दी हुई है आप इसको कंप्लीट करेंगे कलर से और फिर इस तरीके से जितने ये हैं यहाँ पर इनको कम्प्लीट कर देंगे अगर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी थ्री फोर सिक्स आपको ये दी हुई है रेज निकलती हुई तो सिक्स आप इधर बनाएंगे सिक्स आप नीचे और सिक्स आप इस साइड में हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ मीटर अब आपको मीटर्स का बताया हुआ है कि हाफ एंड क्वार्टर्स आप कैसे करेंगे यूजिंग योर मीटर स्केल अपना मीटर स्केल यूज करिए कट अ स्ट्रिंग ऑफ वन मीटर एक मीटर का स्ट्रिंग धागा कट कर लीजिए ऑन द स्ट्रिंग मार्क दी लेंथ हाफ मीटर वन बाय फोर थ्री बाई फोर्थ को मार्क कर लीजिए इस स्ट्रिंग को यूज करके एक हाफ मीटर की लाइन फ्लोर के ऊपर ड्रॉ करिए और बताइए कि वो कितने सेंटीमीटर्स की होगी देखिए आपको पता है कि वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स होता है तो कहने का मतलब है हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे हंड्रेड का हाफ़ दैट मीन्स हंड्रेड का हाफ आपका हो जाएगा फिफ्टी तो फिफ्टी मीटर्स आपके हो जाएंगे हाफ मीटर्स में नेक्स्ट आपको वन बाई फोर्थ मीटर दिया हुआ है तो हंड्रेड का वन फोर्थ फाइंड करिए वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड दैट मीन्स हंड्रेड बाई फोर विच मीन्स ये ट्वेंटी फाइव मीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर सॉरी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स ऑफ वन मीटर अगर वन बाई फोर्थ ऑफ अ मीटर करते हैं नेक्स्ट है लास्ट थ्री बाई फोर्थ ऑफ अ मीटर सो थ्री बाई फोर मीटर यानी कि हंड्रेड सेंटीमीटर ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड आर थ्री हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाय फोर दैट मीन्स फोर सेवनजर ट्वेंटीडर ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी तो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर्स हो जाएगा ओके नेक्स्ट इज हाफ मीटर अगेन वही है हाफ मीटर में फिफ्टी सेंटीमीटर्स होते हैं वन बाई फोर्थ में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स होते हैं थ्री बाई फोर्थ में सेवेंटी फाइव होते हैं दिस यू शुड लर्न एंड कैन यू गेट व्हेन यू ऐड अगर आप हाफ वन फोर्थ और थ्री फोर्थ को ऐड कर दे तो कितना मिलेगा फिफ्टी सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर को ऐड करिए यू विल गेट वन फिफ्टी सेंटीमीटर्स यानी कि वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर्स सो दैट्स ऑल रिमेनिंग जो चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर में अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं दैट वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द वर्कशीट एंड क्विज़